नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। साइबर सिटी के पटौती इलाके में 4 वर्षीय मासूम की गोली मारकर हत्या का मामले सामने आया है। दरअसल कल देर रात पटौती के खलीमपुर गांव में 2 बाइक्स पर आए 4 हथियारबंद युवकों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला बोलते हुए पहले घर के आंगन में खेलते 4 वर्षीय मासूम भव्य को गोली मारी। उसके बाद घर से थोड़ी दूर पर बैठे मृतक भव्य के पिता प्रवीण को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। एसीपी क्राइम की माने तो दोनों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां 4 वर्षीय भव्य की मौत हो गई, जबकि प्रवीण की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो इस सनसनीखेज वारदात के महज कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने वारदात में शामिल चारों युवकों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। शुरुआती पूछताछ में मामला अवैध शराब के खरीद के फेरुख्त से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसको लेकर प्रवीण और नवीन, हरीश, परमजीत और यमन के बीच रंजिश चली आ रही थी, जिसको लेकर विवाद इतना बड़ा कि 4 वर्षीय मासूम की हत्या कर दी गई, जबकि मृतक के पिता अस्पताल में गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। कल शाम को खलीलपुर गांव में एक दो मोटरसाइकिलों पे 4 लड़के आए और उन्होंने एक परवीन नाम का व्यक्ति था खलीलपुर का रहने वाला, उसको गोली मारी और उसके बाद उसके लड़के को, भव्य नाम था उसका, उसको गोली मारी और जो 4 साल का ही था और उस 4 साल के बच्चे की इसमें डेथ होगी इस घटना में, और ये परवीन घायल है तो हमने उसमें केस रजिस्टर कर लिया 302 के तहत, और उसमें जो शामिल थे 4 लोग जिन्होंने वहाँ फायरिंग की थी उनमें से चार आदमियों को हमने अरेस्ट किया है, जिनके नाम हरीश उर्फ बामन और नवीन उर्फ कैची, सूरज उर्फ गोरू, यमन उर्फ भैया, ये सभी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है, और इनसे पूछताछ के बाद जैसी जैसी चीज़ें वेरीफाई होंगी वैसी वैसी इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ रंजिश सामने निकल के आई सर? इनका आपस में किसी बात को लेके झगड़ा था, प्रवीण का और ये आरोपी हरीश का, तो इसी वजह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, इस तरह की चीज़ें सामने आई। आरोपी को क्या कुछ आपराधिक रिकॉर्ड बना है? अभी मैंने बताया, अभी हमने उनको गिरफ्तार किया है, अभी पूछताछ करके उनके कंसर्न पुलिस स्टेशन से पूरा रिकॉर्ड हासिल करके और फिर हम इस बात की जानकारी आपको दे। परवीन की कंडीशन कैसी है? परवीन अभी उसका अंडर ट्रीटमेंट है और उसके बाद पता चल पाएगा उसकी क्या खतरे से बाहर है, अभी ये कह पाना संभव नहीं। ताजा रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।